वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। आज हम लोग जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बिना जो है सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर ही कंसंट्रेट करेंगे। और आज की क्लास में जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स गिवन है, एग्जाम्पल वगैरह गिवन है, उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल के साथ जो है इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 m/s टू 7 m/s। 3 से 7 m/s उसकी स्पीड जो है वो हो गई है यहाँ पे। और साथ के साथ हमें फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, वट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, सबसे पहले हम जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको गिवन है ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, मास गिवन है 5 kg, ड्यूरेशन गिवन है 2 सेकंड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 से 7 m/s इंक्रीज कर दी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको निकालना है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला F=ma, हमने पढ़ा है। फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मैंने आपको जो है पढ़ा है, फोर्स बराबर मास इंटू में एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे देखिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3 m/s, फाइनल गिवन है 7 m/s, टाइम गिवन है आपको 2 सेकंड, और मास गिवन है 5 kg। तो आप क्या करो, आप एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई टाइम टी, इसको जो है कंसिडर कर लीजिए और यहाँ पे जो है वैल्यू रख दीजिए। फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पे 1/1 जो है सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। और यहाँ से एफ की वैल्यू आपको पता है 5, वी की वैल्यू 7 - 3, इसको सोल्व कीजिए तो 10 N जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने सेकंड केस में बोला, ये फर्स्ट केस था, तो 10 N फोर्स आ गई। अब बोल रहे दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी फिर से हमें निकालनी है। तो फोर्स को जो है हमने कितने ड्यूरेशन के लिए लगाया, 5 सेकंड के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू u प्लस v। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू में t। ये फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी निकालिए इनिशियल, और यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह आप वैल्यू रख दीजिए F/m। जब आप इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सीलरेशन की जगह F/m की जब आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से F/m इंटू में टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस F/m। तो यहाँ से जब आप वैल्यू सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है यहाँ पे कितनी है, इज इक्वल टू यू, तो हम एज इट इज रखेंगे, यू की वैल्यू को हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, देखिएगा, v इज इक्वल टू यहाँ पे यू की वैल्यू एज इट इज रहेगी, प्लस एक्सीलरेशन की जगह हम लिख देंगे F/m, यानी कि फोर्स बाय मास, इसकी वैल्यू लिख देंगे F/m, ठीक है, F/m की वैल्यू हम रख देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टी से। तो देखिए, 1/1 कैसे वैल्यूज हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें पता है v हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको 3 m/s, प्लस फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना है, 10 N, तो 10 N हम यहाँ पे रख लेंगे, डिवाइड बाय मास, तो मास कितना है 5 kg, इसका मास गिवन है, और टाइम आपको जो है यहाँ पे गिवन है 5 सेकंड के लिए इसको अप्लाई किया है, तो 5 सेकंड के लिए आप इसको, ठीक है, सोल्व कर लीजिए। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, 5 से 5 गया, 10 + 3 = 13 जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो स्टूडेंट आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, आपको गिवन है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन एट 2 kg मास एट द रेट 5 m/s एंड ए 4 kg मास एट द रेट 2 m/s। तो किस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये देखिए, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपको। यहाँ पे आपको गिवन है, फर्स्ट केस में मास गिवन है, उसके बाद एक्सेलरेशन गिवन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट m/s होती है। सेकंड केस में आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो हमने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला F=ma, ये आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ा है, और पूरे चैप्टर में हमें जो है न्यूटन्स लॉ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो F=ma यहाँ पे अप्लाई कीजिए और इसको जो है आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम मानते हैं कि मास जो फर्स्ट मास है उसको m1, एक्सेलरेशन को a1, तो वहाँ से फोर्स निकालेंगे। सेकंड केस में जो मास है उसको m2, एक्सेलरेशन को a2,
तो F1 इज इक्वल टू M1 इंटू में A1 यहाँ पे रखेंगे, इसका मास यहाँ पे गिवन है 2 kg, एक्सेलरेशन गिवन है 5, तो ये आएगा 10 न्यूटन। सेकंड केस में M2 A2 इसको भी 4 इंटू में 2 8 न्यूटन। अब देखिए यहाँ से F1 की वैल्यू जो है ग्रेटर होगी F2 की वैल्यू से, तो F2 इज़ ग्रेटर देन F1, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन 2 kg मास एट द रेट 5 m/s जो है वो ग्रेटर जो है आपका फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल था। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड न्यूमेरिकल में देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें आपको गिवन है ए मोटर बोट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 m/s की रेट से जो है मूव कर रही है, एंड इट टेक 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइड ऑफ द ब्रेक। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ़ द मास अलोंग विद द पैसेंजर जो है आपको 1000 kg आपको गिवन है। तो देखिए काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 km/h और उसको 4 times/s लग रहा है, यानी कि ये आपको इनिशियल वेलोसिटी की मैंने 108 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली आप वैल्यू पुट कर लीजिए 5/18 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 108 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। ये आपका आंसर डायरेक्टली किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 30 m/s। तो ये आपका आंसर आएगा 30 m/s। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम आपको भी है ना 4 seconds। और ऑब्जेक्ट ने देखिए जो हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी 0 m/s। और मास आपको यहाँ पे गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए फोर्स इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन का एफ इजिकल टू, यहाँ पे रखिएगा सिंपली एफ इजिकल टू एम इंटू में ए, कैपिटल एफ इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको, एक्सेलरेशन को हम ब्रेक कर देंगे सिंपली ठीक है कैपिटल वी माइनस यू डिवाइड बाई टी में उसको तोड़ दीजिए, ब्रैकेट लगा के पूरी वैल्यू उसको सबको पुट कर दीजिए, आपका जो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो एफ के लिए आपको ठीक है मास गिवन है 1000 kg, फाइनल 0 - 30 m/s इंटू में 4 इसको सोल्व करेंगे तो 7500 kg m/s² या -7500, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ब्रेक अप्लाई करने से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आएगी। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो -7500 N आपका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे बता रहा है कि जो फोर्स आपने अप्लाई की है वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर बोट के स्टूडेंट ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें कि मैंने आपको ए फोर्स ऑफ 5 N गिव ए मास M1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² एंड ए मास M2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 m/s². व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइट टुगेदर, मतलब क्या होगा अगर हम दोनों मास को जो है एक साथ बांध दें तो टोटल जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल में क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है देखिए ए फोर्स ऑफ 5 N फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है M1, एक्सेलरेशन गिवन है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट का मास M2 गिवन है, एक्सेलरेशन 20 गिवन है, और आपको जो है बोला कि नेट एक्सेलरेशन निकालो अगर हम इन दोनों एक्सेलरेशन को ऐड कर देते हैं। तो देखिए इजी न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इजिकल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, दोनों ही केस में फोर्स 5 N है, तो M1 इजिकल टू एफ इनटू में A1 और M2 इजिकल टू एफ इनटू में A2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू आपको गिवन है 10 m/s², A2 की वैल्यू गिवन है 20, तो 5/10 हम निकालेंगे तो 0.50 kg, क्योंकि ये सारी ऐसा यूनिट्स है। सेकंड M2 की वैल्यू 5/20 0.25 kg, तो सिंपली इन दोनों मास को ऐड कर दीजिए, M1 प्लस M2 को जो है ऐड कर दीजिए, यानी कि M1 M2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो M1 M2 को आप जोड़ेंगे तो 0.50 प्लस 0.25 kg, यानी कि इज इक्वल टू 0.75। अब आपको नेट फोर्स पता है और आपको जो है टोटल मास पता है और आपको जो है नेट फोर्स 5 N की वैल्यू पता है जो कि इसने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आप नया एक्सेलरेशन आप आसानी से यहां से आप निकाल सकते हैं, जिसकी आपकी वैल्यू आएगी जब आप डिवाइड करेंगे ए इज इक्वल टू एफ बाई एम 5/0.75 6.67 m/s² आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। बाकी देखिए इस चैप्टर की मैंने 3-4 क्लासेस जो है लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप YouTube पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको जो है एक चार्ट के साथ में एक न्यूमेरिकल गिवन है। इसमें गिवन है द वेलोसिटी ऑफ ए टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम
मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। तो ये देखिए वेलोसिटी गिवन आपको सेंटीमीटर पर सेकंड के फॉर्म में गिवन है, टाइम आपको सेकंड में गिवन है, ये 5, 10, 15, 20, 25 ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, वेलोसिटी 20 से स्टार्ट करिए और एंड अप कितने पे करिए, जीरो पे एंड करिए, देखिए इस एक्सेस पे, और टाइम इसका 0 सेकंड से 10 सेकंड की तरफ चला गया। तो पूछा इसने हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, तो इसको जो है रेस्ट में लेके आने में जो बॉल है वो कितना वर्क करेगी। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल पढ़ के इसको जो है देख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस कीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर जो है 10 सेकंड में जाके जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइनल 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम आपको 10 सेकंड की बने। सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इस फॉर्मूला को पुट कर लीजिए, 0 - 20/10 यानी कि -0.2 cm/s², इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2/100 यानी कि 0.02 m/s². अब ये एक्सेलरेशन आया लेकिन आपसे पूछा फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास आपको जो है 20 ग्राम गिवन था, उस 20 ग्राम को आप डिवाइड करोगे 1000 से ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, और उसको जो है सिंपली ये एक्सेलरेशन पुट करके 0.02 जो अभी हमने सोल्व किया था उसको पुट करके आप सोल्व करेंगे तो 0.04 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव फोर्स किसको बताएगी, इम्प्लाइज डेट द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय टेबल इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो हमें स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल 9.6 जिसमें आपको भी होने ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 m/s फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको जो है सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ हम लोग करेंगे, तब इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे और सभी यूनिट्स को हम लोग जो है SI यूनिट्स में पुट करेंगे। तो आपको पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 इज इक्वल टू u1 प्लस m2 और u2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इसके अंदर, ठीक है, सॉरी बीच में प्लस लगाइएगा, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फिर से m1 रखिएगा, फिर फाइनल वेलोसिटी जो है v1 रखिएगा, प्लस ऐड कीजिएगा फिर m2, ये भी पढ़ाया था m2, और फिर फाइनल वेलोसिटी v2 की जगह इसके वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मास गिवन है 20 ग्राम, इसको डिवाइड कर दीजिए 20/1000 यानी कि 0.02 kg, मास ऑफ द पिस्टल आपको गिवन है 2 kg, या जो आपको गिवन था वो मास ऑफ बुलेट गिवन था जो कि 20 ग्राम था, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, मास ऑफ पिस्टल को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 kg में ही गिवन आपको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और पिस्टल, देखिए जब दोनों को ही हमने स्टार्ट नहीं किया तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट और पिस्टल का 0 रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1 की वैल्यू 150 m/s आपको जो है दी हुई है, और ये जो डायरेक्शन जो है किसी एक डायरेक्शन को हम लेफ्ट टू राइट यानी कि पॉजिटिव मानेंगे और दूसरी डायरेक्शन को हम जो है नेगेटिव फॉर्म में मानते हुए इस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इस तरफ जो है जब ये फायर करेगी तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे और जो इस तरफ, ठीक है, रिकॉल फोर्स लगेगा उसको हम नेगेटिव मान के इसको न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर फायरिंग यानी कि ये जो आपका इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी पढ़ाया m1 v1 यानी कि इनिशियल में, ठीक है, दोनों का ही मास जो है दोनों ही स्टेशनरी, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं 2 + 0.02 kg × 0 यानी कि ये आपका आएगा 0 kg/s, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट। अब देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट जब हमने उसको फायर किया है, तो फायर करने के बाद मास कितना है इसका 0.02 kg, वेलोसिटी को मैंने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो प्लस 150 प्लस 2 kg इंटू में मान लीजिए कोई वेलोसिटी जो रिकॉल है उसको हम वी मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.02/100 × 150 ये आपका 3 आएगा प्लस 2 इंटू में वी kg/s। फिर मैंने बताया आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ आप अप्लाई कीजिए तो 3 + 2V की वैल्यू इनिशियल 0 के इक्वल हो जाएगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जो है आपकी यहाँ से आ जाएगी, तो नेगेटिव में इसका आएगा 1.5 m/s, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड बी वुड
रिकॉल इज अपोजिट टू डैट ऑफ बुलेट, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बुलेट की डायरेक्शन का अपोजिट है, यानी कि राइट टू लेफ्ट आपकी जो है इसकी डायरेक्शन हो रही है, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ ये जो है मूव करेगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें गिवन है ए गर्ल ऑफ मास 40 केजी जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, द मास ऑफ द कार्ट आपको गिवन है 3 केजी, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही न्यूमेरिकल है। इसको एक बार डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए गर्ल है जिसका मास जो है 40 किलोग्राम है और ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जो है एक कार्ट पे मूव करती है जिसका वेट जो है 3 केजी है। फिर मूव करेगा जब ये टोटल जब ये मूव करेगी तो इन दोनों का मास हम जो है ऐड कर देंगे, वो हम न्यूमेरिकल में ही समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन है लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड कार्ट बिफोर इंट्रैक्शन, यानी कि आपका जो है इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो आपको इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू होगी ठीक है m1v1 यानी कि 40 इंटू में 5 मीटर पर सेकंड प्लस 3 इंटू में 0, क्योंकि इनिशियल में जो कार्ट है वो आपका नहीं मूव हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। ये आपका जो है इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम की आपकी जो वैल्यू आएगी वो 200 kg मीटर पर सेकंड आपकी जो है वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन हम फाइंड करेंगे, तो इंटरेक्शन के बाद जो न्यूमेरिकल मोमेंटम होगा उसमें आपका जो है टोटल मास हम ऐड कर देंगे। अब ये दोनों जो है सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं, तो सेम वेलोसिटी से जब मूव करेंगे तो हम मान लेते हैं कि उनकी वेलोसिटी जो है वी मीटर पर सेकंड है, तो 40 प्लस 3 43 वी मीटर पर सेकंड। अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम ही फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर दीजिए, 43 वी इज इक्वल टू 200, यहाँ से डिवाइड कीजिए तो आपका जो वेलोसिटी आएगी वो 4.65 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द गर्ल ऑन द कार्ट वुड मूव विद ए वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल जंप, तो जिस डायरेक्शन में उसने जंप किया है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये गर्ल जो है इसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी और आपका कार्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जो है अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, जो कि आपका न्यूमेरिकल 9.8 एनसीईआरटी का है। इसमें गिवन है टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स वाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल, मतलब उलझ जाते हैं। वन हैज़ ए मास ऑफ 60 kg एंड वॉज मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वाइल अदर हैज़ ए मास ऑफ 55 kg एंड मूविंग विद ए फास्टर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर इन विच डायरेक्शन एंड विद विच वेलोसिटी दे विल मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल, होने के बाद किधर वो मूव करेंगे और किस वेलोसिटी से मूव करेंगे फाइंड करना है। एज्यूम करना है फ्रिक्शनल फोर्स जो दोनों प्लेयर के बीच में और ग्राउंड के बीच में वो आपका जो है नेग्लिजिबल यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको जो है ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये गिवन है आपको डायग्राम, इस क्वेश्चन में गिवन होगा 60 kg फर्स्ट प्लेयर का मास है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड प्लेयर का मास जो है 55 kg है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे गिवन है। तो और ये देखिए एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को जब हम इक्वल करेंगे तो इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, एक जो प्लेयर है इसको देखिए बॉल को हम रेफरेंस में 0 मान लेते हैं और इधर से इधर की जो डायरेक्शन होगी यानी कि जो 55 kg का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन होगी सिंपली आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक बार देखिएगा, इस डायरेक्शन को हम जो है नेगेटिव मानेंगे ठीक है, और ये जो सेकंड प्लेयर है इसकी डायरेक्शन को हम जो है पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एज्यूम करके इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को हम जो है पॉजिटिव मानते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। चलिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है लेट द फर्स्ट प्लेयर बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, बाई साइन कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं ठीक है, और सेकंड प्लेयर का हम जो है नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो वही चीज़ आपको समझाइए, मान लीजिए जो मास है वो m है, इनिशियल वेलोसिटी u है और इनिशियल मोमेंटम हम लोग फाइंड कर लेते हैं बाय टेकिंग 1, तो मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर 60 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, m2 55 kg और इसकी जो सेकेंड वेलोसिटी है यानी कि सेकेंड की वेलोसिटी वो -6 मीटर पर सेकेंड आपका जो है आंसर यहाँ से फाइंड कीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम m1v1 प्लस m2 v2 यहाँ से फाइंड कीजिए, तो 60 kg अब मैंने बोला इसको आपको पॉजिटिव मानना है,
तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट केस में आपका जो मोमेंटम हुआ 16 इंटू में प्लस 5 मीटर पर सेकेंड इंटू में 55 के जी माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बाई साइन कन्वेंशन इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। बस आपको जो है यहाँ साइन कन्वेंशन का ही ध्यान रखना है। चलिए सेकंड केस में फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं दोनों जब इंटेंगल हो जाएंगे तो मासेस को हम ऐड कर देंगे 60 प्लस 55 यानी कि m1 प्लस m2 वेलोसिटी मान लेते हैं कॉमन वेलोसिटी है तो 115 इंटू में भी इसकी वैल्यू जो है इनिशियल मोमेंटम के इक्वल रख दीजिए क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है और यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कीजिए तो 115 v इज इक्वल टू माइनस 30। ये देखिए यहाँ से अभी जो हमने वैल्यू निकाली है उसके इक्वल रख दीजिए तो यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.26 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने नेगेटिव डायरेक्शन किसके लिए दिखाई है, ठीक है, तो देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ये जो प्लेयर है इस डायरेक्शन में आपको जो है मूवमेंट आपकी होगी, ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया है दस द टू इंटेंगल प्लेयर वुड मूव विद ए वेलोसिटी 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डैट इज इन द डायरेक्शन द सेकेंड प्लेयर वॉज मूविंग बिफोर द कोलिजन। तो इस प्लेयर की डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा मास से कोई भी। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट थैंक यू।